हेलो माय डियर किड्स, वेलकम बैक टू द ब्रेन रूट सीरीज बाय अमित पब्लिशिंग हाउस। चिल्ड्रन, आई एम वंदना एंड वी आर डूइंग बुक 7, ग्रामर। दिस इज अ बुक एंड द नेम इज ग्रामर ग्लिटर ओडिसी। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 6 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज आर्टिकल्स। सो लेट्स सी व्हाट आर आर्टिकल्स एंड रिवाइज इट। You have learned that there are three articles. आपने पहले ही पढ़ रखा है कि articles three होते हैं, a and the. First is indefinite articles. तो children, आपको पता होगा a और an को हम indefinite articles कहते हैं. A and an are indefinite articles, which means one, जिसका मतलब होता है one, किसी एक person, place, आप कह सकते हैं animal, thing की बात हो रही है यहाँ पे। They are used with a singular countable noun, ये हमेशा हम singular countable noun के साथ लिखते हैं। When it is mentioned in the first time, I saw a man on the street, जब उस person या thing के बारे में पहली बार बात हो रही है, for example, a man, तो मैन की बात हमने इस सेंटेंस में पहली बार की है, इसलिए अ लिखा है हमने यहाँ पे। इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट के लिए हम यूज करते हैं इनसे, अ लीटर ऑफ ऑयल एंड आर। इट इज अबाउट जॉब्स एंड ऑक्यूपेशन, जॉब और ऑक्यूपेशन के बारे में बात करते हैं तब हम इसको यूज करते हैं, अ डॉक्टर एंड आर्टिस्ट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अ प्रीसीड्स, नाउन दैट बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, एक कहाँ पे लगाते हैं, किससे प्रीसीड करता है ये। सो नाउन, वो नाउन जो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ शुरू होते हैं, जैसे क केक, ब बॉय, तो दोनों के से पहले क्या लगा है, अ। सेकेंड पॉइंट सेज नाउन्स दैट बिगिन विथ लेटर्स दैट साउंड लाइक यू, सो उन लेटर्स के साथ भी लगाते हैं जिसमें यू का साउंड आता है, जैसे कि ई नहीं देखना हमें, हमें बोलना है यूरोपियन, तो कौन सा साउंड आ रहा है, यू, यू का साउंड आ रहा है, क्लियर। जैसे कि यूनिवर्सिटी, तो यू का साउंड आ रहा है, सो अ यूनिवर्सिटी एंड अ यूरोपियन, हम ई पे ध्यान नहीं देंगे ना ही यू पे ध्यान देंगे, हम यू साउंड पे ध्यान देंगे। नेक्स्ट इज नाउन दैट बिगिन विथ प्रोनाउंस्ड नॉट साइलेंट एच, वो नाउन जिसमें एच साइलेंट नहीं है, बोलना है और साइलेंट भी नहीं, जैसे हाउस, तो ह का साउंड आ रहा है, तो अ हाउस। नाउ लेट्स सी एन कहां पे लगता है, नाउन्स दैट बिगिन विथ वॉवल साउंड, वो नाउन जिनमें वॉवल साउंड आता है, जैसे आई, यू, अम, तो अ का साउंड आ रहा है, क्लियर। सो एन आइसक्रीम एंड अम्ब्रेला, नाउन दैट बिगिन विथ साइलेंट एच, वो नाउन जिसमें एच साइलेंट है, जैसे आर, आर में जब हम एच ओ यू आर बोलते हैं तो हम एच को छुपा देते हैं, एच को हम नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, आर, बट इसका मीनिंग है एक घंटा, क्लियर। नोट द यूज ऑफ ए विद दीज वर्ड्स, a pity, a noise, a headache, a pleasure, a shame, a toothache, the boys are making a noise, it is a pleasant to meet you, it is a pleasure to meet you, so quickly let's move on to exercise number a children. Here we have to insert a slash
at the place where a or an is missing and write the correct article in the space provided. तो आर्टिकल जहां भी लगेगा उस जगह पे हमें एक स्लैश लगाना है और यहाँ पे करेक्ट आर्टिकल लिखना है. शी इज इंटेलिजेंट गर्ल, तो इज और इंटेलिजेंट के बीच में आएगा एन इंटेलिजेंट गर्ल, ई का साउंड आ रहा है. आई हैव नेवर सीन स्नो लेपर्ड, आई हैव नेवर सीन अ स्नो लेपर्ड. अ फ्लावर्स ब्रिंग स्माइल टू द फेस, फ्लावर ब्रिंग्स अ स्माइल टू द फेस, तो यहाँ पे आएगा अ फ्लावर ब्रिंग्स स्माइल टू द फेस. वॉट नाइस बुक, वॉट अ नाइस बुक. सो सिमिलरली चिल्ड्रन कंप्लीट दीज क्वेश्चंस एज वी हैव डन दिस प्रीवियस वंस. डेफिनाइट आर्टिकल्स, as we have already learned about indefinite articles, now we are going to learn about definite article. The is a definite article. It is used to speak about somebody. ये किसी के बारे में बात करने की बारे में बताता है. Example is I bought a car. The car is black. तो आप देखो यहाँ पे I bought a car आपने लिखा है, मैंने एक कार खरीदी तो a car हो गया. अब उसी कार की बात हम दोबारा कर रहे हैं अगले सेंटेंस में, तो हम लिखेंगे द कार, द कार इज ब्लैक. वी यूज द ऑल्सो वेन वी टॉक अबाउट, हम द कब यूज करते हैं जब हम बात करते हैं. द ऑब्जेक्ट इज द ओनली वन दैट एग्जिस्ट, तो इसमें क्या है, जो ऑब्जेक्ट है सिर्फ वो इकलौता है जो एग्जिस्ट करता है. जैसे कि सन एक है, अर्थ एक है, तो इनके साथ हम द लगाएंगे. अ पर्टिकुलर प्लेस और थिंग, किसी एक पर्टिकुलर प्लेस या फिर थिंग की बात कर रहे हैं. जैसे वी मेट नियर द पोस्ट ऑफिस, तो यहाँ पोस्ट ऑफिस से पहले हमने द लगाया, उस पर्टिकुलर पोस्ट ऑफिस की बात हो रही है. नेक्स्ट इज माउंटेन्स, द हिमालय एंड दुर्दज माउंटेन, द दुर्दज दुर्जुरा माउंटेन. सो यहाँ पे आप देखो इन दोनों माउंटेन्स के पहले द लिखा हुआ है. ओशन के नेम से ही, रिवर, लेक, गल्फ, डेजर्ट, इन सब के नेम से पहले हम द लगाते हैं. ऑर्डिनल नंबर बिफोर नाउन, अगर कोई ऑर्डिनल नंबर है किसी नाउन से पहले तो उसमें भी हम द लगाएंगे. जैसे ये रहा हमारा नाउन मंथ, उससे पहले है ऑर्डिनल नंबर फर्स्ट, तो फर्स्ट से पहले हम लगाएंगे द. स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, when they begin the sentence. तो किसी भी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के नेम से पहले हम लगाएंगे जब वो सेंटेंस को स्टार्ट कर रहे हैं. होल फैमिली नेम्स, पूरे एक फैमिली के नेम की बात हो रही है तो वहाँ पे भी हमने द लगाया, द एडम्स, द विलियम्स. डेकेड या फिर सेंचुरी से पहले हम द लगाएंगे. अ होल क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट और एनिमल, पूरी क्लास जो है ऑब्जेक्ट का, एनिमल का, उनके पहले हम द लगाएंगे. वी यूज द विथ सुपरलेटिव्स, हम द जो है सुपरलेटिव्स के साथ लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, विराट कोहली इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स मैन इन द वर्ल्ड, तो यहाँ पे द जो है कहाँ लगाया हमने, मोस्ट पॉपुलर मीन्स पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट मैन है उसकी बात हो रही है, तो यहाँ पे हमने द लगाया है. नाउ चिल्ड्रन लेट्स मूव ऑन टू बी एक्सरसाइज, फिर इन द ब्लैंक्स विद द डेफिनाइट आर्टिकल, तो डेफिनाइट आर्टिकल द लगाना है यहाँ पे. Wherever necessary and put a cross where no article is required. और उस जगह जहाँ पे किसी भी आर्टिकल की जरूरत नहीं वहाँ पे हम क्रॉस लगाएंगे. He caught dash thief who snatched his mobile. He caught the thief. Have you had breakfast? क्या तुमने breakfast खाया? तो यहाँ पे कुछ नहीं लगेगा. It was kept in the kitchen. The Hindus worship the idols. So like this children, complete the rest of the questions. Omission of a an, कुछ जगह ऐसे है जहाँ पे a an को हमें नहीं लिखना होता है. First point says the indefinite article a an is not used when we have already mentioned it once. जब हमने इन articles को किसी भी sentence में एक बार लिख दिया है तो दोबारा इसे mention करने की ज़रूरत नहीं है. इन सच केस
द डेफिनेट आर्टिकल द इज यूज, ऐसी जगहों पे डेफिनेट आर्टिकल द लिखते हैं. जैसे आई सॉ अ बर्ड, मैंने एक बर्ड देखी. अब उसी बर्ड की देखो आप दूसरे सेंटेंस में बात हो रही है, द बर्ड हैज ग्रीन विंग्स, तो हमने यहाँ पे बर्ड के साथ द लगाया. ए एंड एन आर यूज नॉट यूज बिफोर द नेम ऑफ मील. ए और एन जो है किसी भी मील के नेम के पहले नहीं यूज किया जाता. फॉर एग्जाम्पल ब्रेकफास्ट लंच डिनर, इनके पहले हम ए या फिर एन नहीं लगाते. थर्ड वन इज बिफोर काउंटेबल नाउन्स, नेम ऑफ सब्सटेंसेस, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक्सेट्रा, तो इनके पहले भी हम ए और एन नहीं लगाते. बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले भी ये नहीं लगता. जैसे अ गोल्ड बट अ ग्राम ऑफ गोल्ड, एन एडवाइस बट अ पीस ऑफ एडवाइस, तो इनके साथ हमें अ नहीं लगाना है बट ऐसे हम लगा सकते हैं. क्लियर? अ न्यूज़ नहीं बोलेंगे बट हम बोलेंगे अ पीस ऑफ न्यूज़. अ लगेज नहीं बोलेंगे बट हम बोलेंगे अ पीस ऑफ लगेज. नेक्स्ट लेट्स लर्न ओमिशन ऑफ द. द इज नॉट यूज, कहाँ कहाँ यूज नहीं किया जाता. बिफोर प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन से पहले नहीं यूज़ किया जाता है. बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले नहीं यूज़ किया जाता है. बिफोर मटीरियल नाउन, मटीरियल नाउन से पहले नहीं यूज़ किया जाता है. बिफोर नेम ऑफ मील्स, बिफोर नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, बिफोर नेम ऑफ गेम्स, तो इन सारी जगहों पे हमें द को यूज़ नहीं करना है. इन सर्टन केसेस देयर इज अ नीड टू रिपीट एन आर्टिकल टू मेक द मीनिंग क्लियर. कई बार ऐसा होता है कि एक आर्टिकल को दोबारा रिपीट करना पड़ता है ताकि हमारा जो मीनिंग है वो क्लियर हो सके. द ट्रस्टी एंड सेक्रेटरी अराइव्ड. अब जो है ये सेंटेंस रॉन्ग है. सेकेंड सही सेंटेंस क्या है, द ट्रस्टी एंड द सेक्रेटरी अराइव, दोनों जगहों पे द लगेगा. द फर्स्ट सेंटेंस इम्प्लाइज दैट ओनली वन पर्सन हु हैज बोथ ट्रस्टी एंड सेक्रेटरी अराइव, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है फर्स्ट सेंटेंस में कि जैसे ट्रस्टी और सेक्रेटरी एक ही पर्सन को कहा जा रहा है. द सेकेंड सेंटेंस स्टेट्स दैट टू पर्सन्स अराइव, दो लोग आए हैं जिसमें एक ट्रस्टी और एक सेक्रेटरी है. सो सेंटेंस को और ज़्यादा क्लियर करने के लिए हमें जो ये आर्टिकल है इन्हें दोबारा रिपीट करना पड़ सकता है. नाउ चिल्ड्रन लेट्स मूव ऑन टू एक्सरसाइज नंबर सी. यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए एंड द एंड अ क्रॉस मार्क व्हेन वेयर इट इज नेसेसरी. मैरी इज फ्रॉम इंग्लैंड, अ इंग्लैंड, एन इंग्लैंड, द इंग्लैंड, सो योर नथिंग विल कम. Mary is from England. She is got dash brother and two sister. So you will write a brother and two sisters. They live with dash their family. Na to A aayega, na an aayega, na da aayega. In a small but a very comfortable cottage. Clear, children? तो चलिए आगे के क्वेश्चंस आपको खुद से पढ़ने हैं एंड यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स. नेक्स्ट डी एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग सूटेबल आर्टिकल्स. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, आर्टिकल्स को फिल करना है. ए एंड द, जो हैज बॉट डैश आइसक्रीम, तो आइसक्रीम है तो एन आइसक्रीम. डैश आइसक्रीम टेस्ट डिलीशियस, अब उसी आइसक्रीम की बात हो रही तो हो जाएगा The ice cream tastes delicious. Mark's mother has bought him dash pair of shoes, a new pair of shoes. Dash new pair of shoes are comfortable. The new shoes are comfortable. क्योंकि उसी shoes की बात हो रही है. We have been to the Ayash hospital to visit Peter. He has broken his leg. तो the hospital. Clear children? So like this complete these questions. Next, E exercise, insert, omit or change article where necessary. हम insert भी कर सकते हैं, हम हटा भी सकते हैं और हमें article को change भी कर सकते हैं जहाँ भी हमें लगे. First is Chinese is not a easy language. तो यहाँ पे a नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा an. Chinese is not an easy language. Moon is shining in sky.
तो अब यहाँ पे एन और स्काई के बीच में आएगा द स्काई. डोंट प्ले फूल. सो ये चिल्ड्रेन डोंट प्ले फूल. नथिंग इज टू बी डन. एवरीथिंग इज करेक्ट. फोर्थ वन, दिस इज अ बेस्ट ऑफ द लॉट. सो अ की जगह हो जाएगा द बेस्ट. क्लियर चिल्ड्रेन? सो लाइक दिस कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 5 to 10. नाउ लेट्स मूव ऑन टू इफ एक्सरसाइज. करेक्ट द सेंटेंसेस इफ नेसेसरी. तो यहाँ पे हमें सेंटेंस करेक्ट करना है एंड वी हैव टू इंसर्ट आर्टिकल्स वेर एवर रिक्वायर्ड. इट वॉज अ यूरोपियन प्रॉब्लम. तो यूरोपियन है तो अ यूरोपियन प्रॉब्लम. बालू शुड कॉन्टैक्ट द लोकल पुलिस नाउ. सो हियर नो करेक्शन इज रिक्वायर्ड. We were working on it all the day. This is also correct. So children, make necessary changes, whatever is required here. Now children, let's learn diary entry. A diary entry is a short composition. It is record of writer's feeling. तो diary entry क्या है? कुछ small composition आप कह सकते हो. और ये जो राइटर है उसकी फीलिंग्स को डिस्क्राइब करता है या फिर उसके थॉट्स को डिस्क्राइब करता है या फिर उसके एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करता है, एक रिएक्शन को, एक्टिविटी को, किसी भी एक पर्टिकुलर डे को जो उसने ऑब्जर्व किया या एक्सपीरियंस किया. नोट द फॉलोइंग पॉइंट्स अबाउट डायरी एंट्री. क्या क्या पॉइंट्स नेसेसरी हैं? अ डायरी मस्ट कैरी द डेट. सो चिल्ड्रन, यहाँ पे डेटा लिखा उसे आप करेक्ट कर लीजिए. So a diary must carry the date. The time could also be mentioned. तो most important चीज़ है, सबसे पहले हमें क्या करना है, डायरी में अपना डेट और टाइम मैंशन करना है. द डायरी इज द रिकॉर्ड ऑफ वंस पर्सनल फीलिंग. किसी की पर्सनल फीलिंग को बताता है. सिंस इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर वंस पर्सनल यूज, इट इज रिटन इन एन इनफॉर्मल स्टाइल. तो कोई अपने अपनी पर्सनल फीलिंग्स को इसमें लिखता है तो ये इनफॉर्मल स्टाइल में लिखा जाता है. सेंटेंस नीड नॉट बी कंप्लीटेड. जरूरी नहीं कि सेंटेंस कंप्लीट हो. ऑनेस्टी इज एक्सप्रेसिंग. ऑनेस्टी इन एक्सप्रेसिंग वंस फीलिंग एंड रिएक्शन इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर अ गुड डायरी एंट्री. अगर आप एक अच्छी डायरी एंट्री लिखना चाहते हो तो आपके अंदर क्या होनी चाहिए, अपने थॉट्स को ऑनेस्टली एक्सप्रेस करना आना चाहिए आपको. सो नाउ लेट्स रीड दिस सैम्पल ऑफ डायरी एंट्री. हियर इज वन क्वेश्चन गिवन. यू आर मनन. Your school has announced a 2-day trip to Rajasthan. आपके स्कूल ने एक 2-day trip organize किया राजस्थान के लिए. All your friends are going for the trip, whereas your mother has not given you the permission to go. तो आपके सारे फ्रेंड जा रहे हैं बट आपकी मदर ने अभी तक आपको कोई भी परमिशन नहीं दी है जाने की. Write a diary entry expressing your feeling. आपको क्या करना है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हुए एक डायरी एंट्री लिखनी है. So as I told you, we have to first write down the date. तो सबसे ऊपर left hand side में आ जाएगा हमारा date. Day and then date and then month and then year. ये चारों चीज़ें लिखी हैं. उसके नीचे हम लिखेंगे time, जिस भी time हम diary entry लिख रहे हैं. फिर क्योंकि हम अपनी जो diary entry, हम अपनी diary अपने friend को बता रहे हैं अपनी सारी बातें, तो हम उसे लिखेंगे dear diary. Today I am feeling very depressed as my mom has said no for the trip. अब आप अपनी जितनी भी परेशानियाँ हैं सब डायरी को बताओगे कि मेरी मम्मी ने मना कर दिया है ट्रिप पे जाने के लिए. सो मैं बहुत ही डिप्रेस फील कर रहा हूँ. ओ गॉड, आई एम फीलिंग सो सैड. मुझे बहुत बुरा लग रहा है. आई एम हेल्पलेस बिकॉज आई वॉन्ट टू गो बट मदर इज़ नॉट गिविंग मी द परमिशन. मैं जाना चाहता हूँ, मैं हेल्पलेस फील कर रहा हूँ क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे परमिशन नहीं दी. ऑल माई फ्रेंड्स आर गोइंग फॉर द ट्रिप. मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं सब ट्रिप पे जा रहे हैं. दे ऑल आर वेरी एक्साइटेड. सारे के सारे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं. इन द क्लासरूम दे मेक प्लान फॉर वॉट टू कैरी एंड हाउ दे विल स्टार्ट स्टे देयर. अब क्लास में क्या करते हैं सारे बच्चे ना, प्रोग्राम बनाते रहते हैं. वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे वहाँ रुकेंगे. बट आई कीप क्वाइट एंड फील बैड. लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं चुप रहता हूँ और बहुत ही मुझे बुरा लगता है. अगेन एंड अगेन आई आस्क माई मॉम बट एवरी टाइम शी डिनाइज. मैं बार बार अपनी मम्मी से पूछता हूँ लेकिन वो मना कर देती हैं.
She feels that I am too young to go alone. I have decided that now I will behave responsibly at home. तो उन्हें ऐसा लगता है कि मैं अभी बहुत छोटा हूँ कहीं भी अकेले जाने के लिए, अब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वर्क करूँगा घर पे, मैंने ये सोच लिया है. आई विल फॉलो ऑल हर ऑर्डर्स एंड डू ऑल माई वर्क इन डिसिप्लिन मैनर. अब मैं सारे बात उनकी मानूंगा और अपने काम को डिसिप्लिन में करूँगा. मे बी आई विल सक्सीड इन इम्प्रेसिंग हर एंड देन शी विल गिव मी द परमिशन टू गो afterwards at some other place. हो सकता है मम्मी मुझसे खुश हो जाएं, उन्हें लगे कि मैं responsible हो चुका हूँ, तो शायद वो कभी और कहीं और किसी जगह मुझे जाने दें. Dear God, pour some pity on my mother's heart that she may understand my situation and let me go for the trip. भगवान कुछ करो कि काश मेरी मम्मी मुझे ट्रिप पे जाने लगे. गुड नाइट. लास्ट में हम गुड नाइट लिखते हैं और अपने नेम का फर्स्ट नेम लिखना है हमें. क्लियर चिल्ड्रन? अ डायरी इज रिटन इन एन इनफॉर्मल स्टाइल. डायरी जो है एक इनफॉर्मल स्टाइल में लिखी जाती है. द डिस्क्रिप्शंस आर विविड बाई बट ब्रीफ. डिस्क्रिप्शंस अलग अलग होते हैं बट ब्रीफ होते हैं. दे आर एक्सप्रेस इन अ लॉजिकल वे. इन्हें हम लॉजिकल वे में एक्सप्रेस करते हैं. मोर एग्जाम्पल्स ऑफ डायरी एंट्री. अब आप देखो एक और एग्जाम्पल दिया गया. राघव राइट्स अ पेज ऑफ हिज डायरी डिस्क्राइबिंग हिज एक्सपीरियंस ऑफ एग्जामिनेशन. अब राघव का एग्जाम कैसा गया वो सारी चीज़ों को वो डिस्क्राइब कर रहा है. सबसे पहले डेट लिखना है, फिर टाइम लिखना है, फिर डियर डायरी लिखना है, एंड देन स्टार्ट. लास्ट में आप गुड नाइट एंड योर नेम लिखेंगे. सो रीड दिस व्हाट राघव हैज रिटन and after reading it you have to complete these questions. I'm going to explain you. The first question is, today you visited some historical place around your city. आप अपने city के आसपास किसी historical place पे गए. Write a diary entry about your visit. अपने visit के बारे में आपको बताना है. Second is, you are Atul. You practiced in a speech contest and won the first prize. आप अतुल हो, आपने speech contest में participate किया है और आपको first prize मिला है. Write a page इन योर डायरी रिकलेक्टिंग योर फीलिंग्स. अपनी फीलिंग्स को बताते हुए एक डायरी एंट्री लिखनी है. इट वॉज अ फर्स्ट डे एट द स्विमिंग क्लब. आपका जो स्विमिंग क्लब है वहाँ पर पहला दिन था. यू फाउंड लर्निंग टू स्विम अ बिट डिफिकल्ट बट यू रियली एंजॉयड इट. तो आपको स्विमिंग करना थोड़ा मुश्किल लगा बट आपने इंजॉय किया. राइट योर फीलिंग्स. आपको अपनी फीलिंग्स के बारे में लिखना है. सपोज यू आर अबो एदम. राइट अ डायरी एंट्री डिस्क्राइबिंग योर फीलिंग्स. तो आपको डायरी एंट्री लिखनी है जिसमें आप अपनी फीलिंग को डिस्क्राइब कर रहे हो. अबाउट द इंक्लूजन ऑफ योर नेम इन द लिस्ट ऑफ दोज हुम गॉड हैज़ ब्लेस्ड. तो आप ऐसा सोचो कि भगवान ने आपको ब्लेस किया है, उस लिस्ट में आपका नाम है. सो राइट अ डायरी एंट्री. सो चिल्ड्रन, आई होप यू हैव अंडरस्टूड डायरी एंट्री. आई विल बी मीटिंग यू सून. टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.